कल की तैयारी, आइए बता दें क्या खास लाए हैं आज शो में हम आपके लिए। बाजार पर रहेगा फोकस, जहां पर हमने देखा ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दी और सेंसेक्स निफ्टी दोनों 1% तक टूट गए। फोकस होगा मारुति पर, जानेंगे क्या है उनके ईवी प्लान्स और अब स्टॉक पर क्या राय लेनी चाहिए आपको। इसके अलावा कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे आगे शो में। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार की, जहां हमने देखा बाजार में आज की शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई। निफ्टी करीब 170 अंकों की गिरावट के साथ 17,117 पर जाकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में हमने 570 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी। बैंक निफ्टी करीब 400 अंक गिरकर बंद हुआ। बाजार में और कहां कहां एक्शन रहा और किन शेयरों में तेजी दिखी, किन में रही गिरावट, ये पूरा अपडेट लेकर मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी दवे। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन बाजार जो है एक रेंज में ही कामकाज करता रहा और जब शुरुआत हो रही थी कुछ मिनटों के लिए तेजी हमने जरूर देखी, लेकिन उसके बाद बिकवाली का दबाव जो था वो हावी होता गया और एक रेंज में ही बाजार ने यहाँ पर ट्रेड किया। लेकिन बोरिंग डे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर अपमूव हमने देखे, जैसे कि पेपर शेयर्स, शुगर शेयर्स, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला था। और कुछ स्टॉक्स भी थे जो कि आउट परफॉर्म भी कर रहे थे, जैसे जुबिलेंट फार्मोवा का स्टॉक जो कि दिन भर अच्छी तेजी के बीच ही काम करता रहा। में निफ्टी के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, कोल इंडिया, हिंडालको, यूपीएल, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। बिकवाली का दबाव यानी कि लूजिंग कैंडिडेट्स की अगर बात करें, टाटा कंज्यूमर, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में बिकवाली हमने हावी होते हुए देखी। और पावर ग्रिड का स्टॉक जो था सबसे ज्यादा यहाँ पर 4% तक की गिरावट हमने यहाँ पर निफ्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा लूजिंग अगर मोमेंटम किसी में था तो वो पावर ग्रिड के स्टॉक में देखने को मिला। इस बीच ब्रिटानिया में भी बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। मिड कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, ऑयल इंडिया, अलेम्बिक फार्मा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कमेंस टू नेम अ फ्यू, यहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आया। जैसे कि मैंने कहा शुगर स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिली, इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी खबरें, साथ ही नितिन गडकरी जी का शुगर कंपनियों को जो बयान आता हुआ दिखा, उसके बाद शुगर कंपनियों में आज दिन भर अच्छा एक्शन देखने को मिला। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर में अच्छी तेजी के बीच कामकाज रहा। पैकेजिंग कंपनीज का भी आज दिन था, क्योंकि पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स, जिंदाल पॉली, नाहर जैसी कंपनियों में करीब 1 से लेकर 7% तक की बढ़त, तो यहाँ पर शानदार अपमूव्स इन तमाम सेक्टर्स में आते हुए देखने को मिले। इस बीच पेपर स्टॉक्स भी थे जो कि आज बजिंग मोमेंटम ही दिखा रहे थे। मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, मेटल्स और फार्मा गेनिंग सेक्टर्स में रहे, इन दोनों सेक्टर्स में अच्छी तेजी दिखी। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी और निजी बैंक क्षेत्र में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। तो आज दिन भर में एक रेंज में बाजार घूमते हुए दिखे और शुरुआती तेजी जो कुछ मिनटों की टिकी, उसके बाद कमजोरी जो थी वो हावी होती हुई दिखी और पूरे दिन उसी रेंज में फिर बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। और क्लोजिंग के साथ भी इंडेक्सेस में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, चुनिंदा स्पेसेस में यहाँ पर कुछ एक्शन जरूर देखने को मिला। हमने कई दिग्गज एक्सपर्ट से भी बात की। कोटक के एमसी के एमडी नीलेश शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाल कर रखा हुआ है। उनके मुताबिक एफआईआईज की वापसी से बाजार में आगे और तेजी की संभावना बढ़ेगी। टाइम वेयर यू विल हैव टू यू नो काइंड ऑफ एक्सेप्ट योर लिमिटेशन इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। A lot will depend upon how geopolitical situation pans out. A few things which is observable from the past 3 months, 4 months. One, FPIs were booking profit in India as it was one of the emerging market where they had money left on table. When US Fed raises interest rates, emerging market witness outflows. This time in many emerging markets, they didn't have profit. So India was their first choice to book profit. Second, domestic investors absorbed FPI supply of more than 1,50,000 crore on a net basis between primary and secondary market from October 21. And now FPI seems to have turned corner. They have started buying bits and pieces over here. October 21 to Feb 22, we saw FPI selling and domestic buying. Now going forward, if domestic and FPI both are buyers, then certainly there is more upside to the market.
बिल्कुल, तो फोकस काफ़ी हद तक FIIs और DIIs की ट्रेडिंग पर, इनकी शॉपिंग पर रहेगा। FIIs जब नेट बायर्स हो जाएंगे तब शायद बाजार को और तेज़ी देखने को मिलेगी। पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है कि खरीदारी का मूड दिखाई दिया है FIIs का। मेरे दो खास मेहमान मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, काफ़ी हमने देखा कि तेज़ी के साथ शुरुआत हुई थी बाजार की, लेकिन उसके बाद जो है रेड टेरिटरी में बाजार पहुँच गया, 1% नीचे जाकर बंद हुआ। कल कैसे ट्रेड करेंगे आप बाजार को? और साथ ही साथ अगर उसके आप मोमेंटम इंडिकेटर लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो वो ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे थे। सो वी वर एक्सपेक्टिंग के जैसे निफ्टी की मैं बात करूं तो 17,300 वाज द क्रूशियल सपोर्ट के जहां पे हमने ओपन इंटरेस्ट स्टडी या तो ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से भी मैसिव पुट राइटिंग थी। जैसे ही वो लेवल थोड़ा हमने देखा एक मैसिव फॉल निफ्टी के अंदर आया, ऑलमोस्ट नीचे 17,150 के आसपास बंद हुआ। अभी अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें निफ्टी के ऊपर तो जो गैप रेजिस्टेंस या तो गैप क्रिएट हुआ था लास्ट वीक में, सो वो गैप के नीचे अभी अभी ट्रेड कर रहे हैं हम। सो ओवरऑल जब तक हम 17,300 के जब तक ऊपर नहीं जाते तब तक ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है। और ओवरऑल हमने जो नीचे बॉटम बनाया है 15,700 के करीबन और ऊपर में जो हमने रैली देखी 17,400 की, तो इस पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो 23% का रिट्रेसमेंट 17,000 के आसपास आता है। तो यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच करने जैसा है। अगर कोई फॉल आता है, फॉल कंटिन्यू रहता है, तो हमें लगता है कि वो फॉल 17,000 के आसपास रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए निफ्टी के अंदर, और ऊपर में फिर से हम वापस 17,300 के आसपास आ सकते हैं। और अगर मान लो यहीं से फॉल रुक जाता है और 17,300 के ऊपर निकल जाते हैं तो वहां से हमें और नहीं बाइंग करनी चाहिए। सो इस लेवल पे कुछ नहीं करना चाहिए, आइदर 17,300 क्रॉस करने दीजिए या तो 17,000 के आसपास निफ्टी आए तब जाके हमें लॉन्ग करना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो 36,400 का लेवल इंपॉर्टेंट था। आज सुबह भी हमने देखा कि काफी टाइम 36,400 के आसपास मार्केट ने होल्ड किया लेकिन ऊपर के लेवल पे जा नहीं सका और वहां से हमने एक फ्यूरियस सेलिंग बैंक निफ्टी में भी देखी। तो बैंक निफ्टी में भी रीसेंट जो एक रैली आई थी आई है 32,200 से ऊपर में 36,500 की, उस पर भी अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करें तो 23% का जो रिट्रेसमेंट है वो 35,500 के आसपास आता है और वहां पे गैप सपोर्ट भी हमें दिख रहा है। सो ओवरऑल जब तक 36,400 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाती है तब तक चांसेस है हम 35,500 से 35,800 के बीच में आ सकते हैं, वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ओके, तो वो लेवल्स हैं 17,300 और 17,000 जो आपको नोटिस करने चाहिए। 17,300 के ऊपर बाजार जाए तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, नहीं तो इंतज़ार कीजिए, 17,000 तक आने दीजिए ये स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए। शर्मिला, इस समय आप जब क्लाइंट से बात कर रही हैं तो किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बाजार काफ़ी हद तक जो रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम है उसको डाइजेस्ट कर चुका है। हमने देखा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब जिन लेवल पर बाजार था वहाँ से गिरावट आई, अब बाजार ने वो लेवल्स वापस रीगेन कर लिए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हैं, लेकिन अब कौन से फैक्टर्स पर नजर रहेगी यहां से आगे मूव करने के लिए? क्रूड अब भी 100 के ऊपर है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 110 के ऊपर। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो यूएस फ्यूचर्स एकदम फ्लैट टू नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, यूरोप वापस फ्लैट टू नेगेटिव हो गया है। कल के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए बाजार को? हाँ, पहले तो अगर हम मूड की बात करें तो आई थिंक अभी भी थोड़ा बहुत कॉशियस है मूड, बिकॉज यस आई थिंक ये जैसे अभी आपकी चर्चा चल रही थी कि जो पुल बैक हुआ है वो अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि लोगों को लगता है कि फिर से थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। सो आई थिंक ऑन द पॉजिटिव अगर आप देखें तो ये बात है कि पिछले हफ्ते हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि FII की सेलिंग खत्म होने को आई है या तो इट्स टेपरिंग डाउन। आज मेरे हिसाब से फिर से एक यू नो आई थिंक इट्स अगेन 2,500 सॉर्ट ऑफ सेलिंग फिगर, सो वो फिर से कल के मूड के लिए मूड को डिक्टेट करेगा। और उसके साथ साथ आई थिंक आई विल यू नो रियली स्ट्रेच इट टू टू मोर फैक्टर्स। एक तो आई थिंक जिस तरह से जो वॉर की सिचुएशन है दैट इज नॉट स्टिल फुल्ली रिजॉल्व, क्योंकि जिस तरह से बयान आते रहते हैं दोनों देशों से दे डू सॉर्ट ऑफ वरी मार्केट्स और वो जाहिर होता है इंडेक्स के मूवमेंट्स में। और दूसरी चीज अगर आप डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जिस चीज का आपने जिक्र किया दैट इज क्रूड और ओवरऑल जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस रहे हैं पिछले क्वार्टर, उससे ऐसे जरूर लगता है कि जब हम क्वार्टर नंबर्स देखना चालू करेंगे यू नो इन अप्रैल गोइंग फॉरवर्ड अप्रैल में, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वार्टर फोर ऑल्सो स्ट्रेचेज अ लिटिल बिट क्योंकि कंपनीज ये प्रिफर करती है कि यू नो फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस करें, तो ये सब जो फैक्टर्स है वेदर इट इज कमोडिटी वेदर इट इज क्रूड इनका इम्पैक्ट हम देखना चालू करेंगे। एंड एनी वे आई थिंक FMCG कंपनीज वगैरह ने
ये चीज कही थी कि इन्फ्लेशन हैज बीन फैक्टर फॉर कंसर्न, तो शायद और सेक्टर्स में भी हमें देखना हम ये चीज देखेंगे. ऑफ कोर्स आई थिंक यू नो क्रूड प्राइसेस हैविंग बीन इंक्रीज, सो वो एक और एक यू नो सॉर्ट ऑफ इज समथिंग दैट मार्केट वुड लुक फॉर कि कितना इंक्रीज आता है प्राइस में. सो देर आर अ कपल ऑफ कंसर्न्स, बट आई थिंक इट इज मोर माय कंसर्न इज मोर विद यू नो कि कितना जल्दी पुल बैक हुआ है मार्केट, तो शायद यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस होना. करेक्ट, तो फिलहाल भी कॉशियस रहने की ही सलाह है यहाँ पर. और क्रूड जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो जाहिर तौर पर काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी आने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पर. कमोडिटीज़ का ही की बात कर रहे हैं तो ऑटो स्पेस की बात कर लेते हैं जहाँ पर कमोडिटीज़ का काफ़ी बड़ा प्ले होता है, लेकिन फिलहाल फोकस मारुति सुजुकी पर है जिनके ईवी को लेकर काफ़ी बड़े प्लान्स बन रहे हैं. दरअसल मारुति इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाने के लिए गुजरात में एक नया प्लांट लगाने वाली है, साथ ही सुजुकी मोटोकॉर्प भारत में बैटरी व्हीकल और उसकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाली है. क्या और प्लान्स हैं, इसके डिटेल्स क्या हैं? मेरी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं. सृष्टि बताइए. जी हाँ, निफ्टी ऑटो का टॉप गेनर देखें तो आज मारुति सुजुकी है, जो कंपनी के ईवी प्लान्स को लेकर ये स्टॉक में आप तेजी देख रहे हैं. अब ये पॉजिटिव खबर आई है जहां पे सुजुकी मोटोकॉर्प जो इनका जापानीज आर्म है वो कंपनी भारत में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करेगी. 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का वो निवेश का प्लान कर रही है और ये हम 2026 तक होते हुए देख सकते हैं. इसी के साथ कंपनी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ जो है एक MOU भी साइन किया है जिसमें जो पूरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है दो फेजेस में होगा. पहले 7,300 करोड़ कंपनी 2026 तक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने में यूटिलाइज करना चाहती है और बाकी का 3,100 करोड़ जो है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लगाएगी, जो कि 2025 तक वो करती हुई नजर आ सकती है. अब इस पे एनालिस्ट का टेक जानना काफी अहम हो जाता है क्योंकि ये न्यूज मारुति सुजुकी के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगी. बट साथ ही एनालिस्ट का एक कहना है कि ये जो अनाउंसमेंट थी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइन्स पे थी. जी हाँ, एक आंकड़ा जरूर सामने आया है कि कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट देख रही है कंपनी, पर साथ ही जो स्मॉल कार्स में बनाने के लिए कंपनी इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी ने पहले भी साफ किया था कि 2025 से पहले वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंट्री नहीं देख रहे हैं. इसी के साथ ही एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये न्यूज़ डेफिनेटली पॉजिटिव है और साथ ही कंपनी का एक क्लियर प्लान है कि वो ईवी ट्रांजिशन की टुवर्ड्स बढ़ेंगे, वो ये पूरा अनाउंसमेंट शोकेस करता है. पर आखिरी में उनका ये भी कहना है कि जो ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि हम 2022 में बैठे हैं, 2025 में पहली गाड़ी आएगी, ये ट्रांजिशन पीरियड लंबा है और साथ ही इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है वो भी देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि हम देखें तो टाटा मोटर्स और M&M अपनी ईवी प्लान्स को लेके काफ़ी एग्रेसिव हैं. तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी थोड़ी सी पीछे ज़रूर नज़र आ रही है, पर ये न्यूज़ डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है. शुक्रिया सृष्टि. शर्मिला, लेट तो नहीं हो गई है मारुति? ऐसा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईवी में बहुत पहले उनको उतर जाना चाहिए था. सबसे बड़ी कार कंपनी है, बहुत लंबे समय तक मारुति ये कहती रही कि हम सीएनजी पर फोकस करेंगे. अब प्लान्स सामने आ रहे हैं ईवी के, आपको लगता है स्टॉक को फायदा मिलेगा इससे? फायदा तो मिलेगा, बट आई कम्प्लीटली टेक योर पॉइंट. आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मारुति ने उनका यही स्टांस रहा, जैसे कि आपने कहा कि सीएनजी पे फोकस होना चाहिए. एंड आई थिंक जो अलग अलग बयान सुनने आते थे मैनेजमेंट से, उससे मेरी तो ये राय बन रही थी कि देयर परहैप्स एंटी ईवी और उनको उसमें कुछ बहुत बड़े नंबर्स आएंगे वो लगता नहीं है, एंड दे कुड बी राइट इन दैट एस्पेक्ट. लेकिन जैसे कि आपने कहा, यू नो आई थिंक परहैप्स दे माइट बी अ लिटिल लेट टू द पार्टी बिकॉज यू नो इट्स वेरी क्लियर कि बाकी दुनिया ये मानती है कि ईवी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर और अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग गियर्ड फॉर दैट, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग बैटरीज या तो जिस तरह से काम चल रहा है ईवी बैटरी पर भी, बिकॉज यू नो दैट्स ऑब्वियसली अ बिग सॉर्ट ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन दिस एंटायर प्रोसेस क्योंकि उसमें उसका वेट यू नो इसकी कैपेसिटी एक्सेट्रा. सो देयर इज आई थिंक कंटिन्यूअस वर्क हैपनिंग कि उन पैरामीटर्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए एक्सेट्रा. बट यू नो आई थिंक बेटर लेट देन नेवर. एंड एट द एंड ऑफ द डे मारुति के एक यू नो दे आर योर लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल manufacturer seller in the from a domestic perspective aur unko ye step unhone agar liya hai so I think that is even more positive for the companies which have already invested in EV. so you know that's another way of looking at it aur mujhe lagta hai ki zarur fayda hoga usko maruti ka because at the end of the day
वो परसेप्शन चेंज हो जाता है. पहले उनके पास गेम प्लान ही नहीं था टीवी के लिए. नाउ यू हैव अ क्लियर गेम प्लान एंड यू हैव अ रोड मैप. सो आई एम श्योर एंड आई एम श्योर व्हेन दे लॉन्च आल्सो दे विल कम विद अ गुड प्रोडक्ट. सो आई थिंक दे विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. करेक्ट. तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने की उम्मीद जरूर है मारुति की. हम किरण के पास भी चलेंगे लेकिन उससे पहले एक और ऑटो स्टॉक पर फोकस करते हैं. बजाज ऑटो जो है वो 2 से 3 नए प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में है. ये ई स्कूटर्स ब्रांड चेतक के तहत लॉन्च किए जाएंगे. और अपडेट क्या है, मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ. उत्कर्ष, आखिर क्या प्लान है बजाज का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? देखिए, अगर आप बजाज ऑटो के ईवी प्लान्स की बात करेंगे तो 2 से 3 एरियाज हैं जहाँ पे हमें खबर मिली है. पहली खबर ये है कि इस समय करीब 1,500 के आसपास गाड़ियाँ बिक रही हैं. चेतक की जो स्कूटर है, कंपनी का प्लान है कि इसको, और कंपनी का टारगेट है कि साल के अंत तक के नंबर 10,000 होना चाहिए. मतलब कम से कम 10 गुना के आसपास का या 7.5 गुना के आसपास का जो इंक्रीज़ है वो देख रही है कंपनी. कैसे देख रही है? पहली चीज़ तो ये कि जून में आपकी जो प्रोडक्शन प्लांट है वो चालू हो जाएगा जो आकुरडी में है. उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे आने वाले समय में कंपनी 2 से 3 और नए मॉडल्स लॉन्च करेगी चेतक के. और ये जो चेतक के मॉडल्स होंगे वो लॉन्च जब होंगे तो ये प्रीमियम्स कैटेगरी में होंगे. तो इस समय भी जो चेतक है वो काफ़ी महंगा इसमें आता है, लेकिन आगे आने वाले भी जो मॉडल्स हैं वो उसी कैटेगरी में रहेंगे जो चेतक के अंडर रहेंगे. क्या कंपनी का उसके नीचे किसी सस्ती टू व्हीलर ईवी बनाने का प्लान है, उसके बारे में अभी तक बात हमें सूत्रों ने नहीं बताया है. लेकिन एक बात साफ है कि चेतक में ही आगे आने वाले समय में कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी और एक ब्रांड जो है, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड के हिसाब से तरह से चेतक निकल के आएगा. जैसे पल्सर है इस समय, अगर आप प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की बात करें, ये समय प्लान है बजाज का ईवी साइड पर. शुक्रिया उत्कर्ष इस अपडेट के लिए. किरण, ऑटो स्पेस फोकस में लगातार है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर तो नजर जा ही रही है. अगर मैं प्योर टेक्निकल्स के हिसाब से आपसे पूछूं, मारुति पर हमने बात की, बजाज की खबर सुनी, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सो ओवरऑल पहले तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नीचे के लेवल से काफी हमने एक अच्छी रिकवरी देखी. लेकिन आज जिस तरह का प्राइस एक्शन है इंडेक्स के ऊपर अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर एक बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने फॉर्मेशंस देखी है. 10,450 के आसपास इंडेक्स ये ट्रेड कर रहा है. अब हमें खास करके नजर रखनी पड़ेगी कि अगर ये इंडेक्स 10,000 के नीचे फिसलता है तो फिर जो अभी रिकवरी आई है वो रिकवरी के बाद भी इंडेक्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी. तो 10,000 का लेवल आप निफ्टी ऑटो में ध्यान रखिए, जब तक इसके ऊपर है हम तेजी कर सकते हैं. अब अगर बजाज ऑटो इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना है सो आई विल प्रिफर मारुति. रीजन बिहाइंड के हमने देखा था कि पिछले 17 दिन में ही एक ड्रास्टिक फॉल हमने मारुति में देखा था ऑलमोस्ट 27% का. अब ये 27% के फॉल के बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 दिन में ऑलमोस्ट 50% फॉल जो है उन्होंने नीचे के लेवल से कवर कर दिया है. अब आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें दिख रहा है और नीचे के लेवल पे जो भी गैप है वो गैप फील हो गए. सो ओवरऑल जो मारुति का स्ट्रक्चर है वो बजाज ऑटो से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. सो अगर कोई भी गिरावट आती है इसमें 7,600-7,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहां पे हमें एक बार एक्युमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव या तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव दोनों आइडियाज के लिए. एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप 7,200 का रखिए और इंडेक्स में एक स्मॉल रेजिस्टेंस है 7,800 का. जैसे ही 7,800 क्रॉस करेगा मारुति, वैसे देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसको फिर से 8,000 के ऊपर देखें. ओके, तो जैसे ही 7,800 क्रॉस करेगा 8,000 के ऊपर देख सकते हैं. मारुति की बात हो रही है, वो पसंद आता है इन दोनों ही स्टॉक्स में से. शर्मिला, आपसे रुचि सोया पर भी एक कॉल लेना चाहते हैं. पूरे दिन ये स्टॉक फोकस में रहा, हमने देखा कि जो FPO आ रहा है 35% डिस्काउंट पर है. स्टॉक आज करीब 9-10% करीब टूट गया बाजार में. जो कमेंट्री कंपनी की तरफ से आई है, जो प्लान्स बताए गए हैं कि जो है बिजनेस पतंजलि का रुचि सोया में चला जाएगा, फूड बिजनेस जो है, आपने कैसे रीड किया इस पूरी स्टोरी को और अब रुचि सोया को कैसे अप्रोच करेंगे आप यहां से? अब थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा. आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट सी कि किस तरह से ये चीजें पैन आउट होती है. एंड आई थिंक इन द गिवन इन दैट स्पेस वी प्रोबेबली, यानी इस तरह के अगर आप बिजनेसेस कहेंगे तो perhaps a Tata consumer or an Adani will not even to my mind make a better sense. So थोड़ा wait and watch वाला approach रहेगा. ओके, फिलहाल रुचि सोया पर वेट एंड वॉच. ये स्टॉक आज हमने काफ़ी खबरों में देखा. एक और खबर की बात करते हैं जहां पर ईटी नाव की स्वदेश की जो खबर है उस पर मुहर लगी है शंकरा बिल्डकॉन को लेकर. आपको बता दें कि अपोलो ट्यूब्स को ये प्रमोटर्स जो है हिस्सा बेचने वाले हैं 755 रुपये प्रति शेयर पर,
करीब करीब 4.5% प्रमोटर्स हिस्सा बेचेंगे। मेरे सहयोगी पंकज पोद्दार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के लिए। पंकज बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अगर हम देखेंगे तो ये एक टू ट्रांच डील है। तो आपने कहा कि 5% का APL अपोलो ले रही है प्रमोटर से, और 24 मार्च को, विच इज़ 3 डेज फ्रॉम नाउ, एक बोर्ड मीट भी रखी गई है शंकरा ने, और प्रमोटर्स ने इंटेंट किया है कि वो 14 लाख के वारंट इशू लेंगे जो आगे जाके इक्विटी में करेंगे। अभी मैंने 14 लाख का कैलकुलेशन किया, वो अराउंड 5.77% स्टेक आता है, तो 4.3% उन्होंने ब्लॉक डील से ले लिया है एंड 5.77% वो वारंट के थ्रू आगे जाके लेंगे, पर ये बोर्ड अभी कंसिडर करेगा 24th को। तो जो हमने रिपोर्ट किया था कि ये 10% टोटल स्टेक का ये लोग लेने की बात कर रहे हैं, तो ये टू ट्रांचेज में आया है। 4.3% उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, बोर्ड मीट एक 24th को है जो शायद ये अप्रूव कर दे के ये 5.77% स्टेक भी ले ले। 750 इज द प्राइस एट विच दे आर लुकिंग एट। हमने कहा था कि वो इन एंड अराउंड द करंट मार्केट प्राइस लेंगे, विच इज क्लोज टू अराउंड 750 odd rupees। तो ये APL कंपनी ने ले लिया, और हमने पहले भी कहा था कि शंकरा को फंड रेज करना है, उनको चाहिए कि आगे उनके साथ और भी अच्छे नाम जुड़े, और APL अपोलो डेफिनेटली ये नाम है। ओवरऑल ये APL अपोलो के कैश या बैलेंस शीट या उनके मार्केट कैप को देख के कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर जैसे आपने कहा कि ये कंपनी है जो APL अपोलो पाइप्स है, ये आगे जाके और एक्सपैंड करेगी। अब ये शंकरा में ले रही है जो एक हाउसिंग फर्निशिंग सॉर्ट का रिटेल सॉर्ट ऑफ पूरा चेन है, तो देखते हैं आगे क्या रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मैनेजमेंट से बात कर पाए, स्पेशली प्रमोटर्स ऑफ APL, बिकॉज ये कहेंगे कि इनसे सिनर्जी बेनिफिट इन्हें क्या मिलेगा ये इन्वेस्टमेंट करके। तो ये इंटरेस्टिंग डील है, आगे जाके देखते हैं 24th को क्या होता है, और 24th को ये 14 लाख अप्रूव होता है कि नहीं, इससे इनका टोटल स्टेक 10% हो जाएगा, जो एक काफी सब्सटेंशियल स्टेक है कोई भी कंपनी में। शुक्रिया पंकज। ये स्टॉक लगातार फोकस में, 10% ऊपर आज भी जाकर बंद हुआ है। चलिए वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से जानने का कि कौन से आइडियाज वो लेकर आए हैं कल के सेशन के लिए। किरण, अगर आपसे शुरुआत करें, कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहेंगे आप? ओवरऑल हमारा व्यू इंडेक्स के ऊपर थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे आज भी हमने देखा था कि मार्केट में काफी ब्रेथ नेगेटिव थी, लेकिन काफी स्टॉक्स से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सो उसमें से एक सेक्टर था मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में हमें लगता है कि ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, और जनरली हमने देखा भी कि कमोडिटीज में अगर साइकिल चेंज होती है तो वो लंबे टाइम तक रहती है। सो VDL इज अवर फर्स्ट चॉइस। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आप आज का वॉल्यूम देखोगे तो लास्ट 20 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड हो रहा है। सो VDL 400 के आसपास काउंटर बंद हुआ है, 2-3 दिन में ये 430 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं 384। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की। अगर ये स्टॉक प्राइस की आप चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डबल बॉटम ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। साथ ही साथ तीनों टाइम फ्रेम डेली वीकली एंड मंथली में जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और लास्ट 2 दिन में जो प्राइस फॉल हुआ था उसमें वॉल्यूम कुछ अट्रैक्टिवनेस नहीं थे, तो जो रीसेंट ब्रेकआउट आया उसका रीटेस्टिंग कहलाया जाएगा। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी आप 1445 के आसपास बाई कर सकते हो, 1550 का हमारा टारगेट है, और 95 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। शानदार, एरोनॉटिकल्स पर भी फोकस कर सकते हैं। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? I'm going with a sort of a basket. तीन स्टॉक्स उस बास्केट में है, Blue Star, Voltas और Amber. आप समझ ही गए होंगे कि किस तरफ इशारा है। We are getting ready for summer. और जो कुछ हम देख रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि it's going to be a very hot summer. तीनों the reason I'm recommending all three is कि तीनों के अलग-अलग positives हैं। Amber of course मेरा शायद इन तीनों में सबसे ज्यादा पसंद वाला स्टॉक होगा from a valuation perspective, और उसके साथ साथ उनके जिस तरह के आंकड़े भी आए पिछले क्वार्टर और उनके acquisitions and overall the game plan to have a sort of an asset light model and be a supplier, तो वो मुझे काफी पसंद है। Then comes Blue Star के नतीजे पिछले क्वार्टर काफी अच्छे थे, but if you come to Voltas numbers पिछले क्वार्टर में इतने खास अच्छे नहीं थे, और valuations में भी थोड़ा ज्यादा लगता है, but you know they do have a plant with sort of a state of art that plant getting set up where they will now branch out to other products other than air conditioners, or so that would be an interesting move to watch. So those could be three stocks. Long term ka thoda nazariya rakhiye, aur teenon mein thodi thodi khareed kariye, and I think we can expect 15-20% returns from current market price. ओके, तो करंट मार्केट प्राइस से 15-20% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, ये कूल स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी कूल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शर्मिला और किरण आज समय निकालकर हमारे शो में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर इसके।